महा एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। जी हाँ दोस्तों आप भी इंडियन है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब तक कई चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमान व्यक्त किए गए हैं। इनके आंकड़ों को देखकर साफ तौर पर लगता है कि लगातार दूसरी बार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ये अनुमान यदि वास्तविकता के धरातल पर उतरते हैं तो इससे ये भी जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी पिछली बार का चुनावी करिश्मा तो नहीं दोहरा पाएगी लेकिन तकरीबन 50 सीटें हासिल कर लेगी। हालांकि बीजेपी ने इस बार कम से कम 45 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक उसको अपेक्षित सफलता मिलती नहीं दिख रही है। अभी तक जो भी अनुमान व्यक्त किए गए हैं उसमें टाइम्स नाउ ने सर्वाधिक 23 सीटें बीजेपी के जीतने की बात कही है। बाकी ज्यादातर पोल अनुमानों में बीजेपी को 10 से 15 सीटें मिलने की बात कही गई है। आज तक एक्सिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 63 सीटें और बीजेपी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। इन अनुमानों के आधार पर जी न्यूज के महा एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 55 सीटें, बीजेपी को 14 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार का चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।